नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हाँ, कॉमिक का ही वक्त है और शायद आप मुझे देखकर चौंक गए। अरे चौंकिए मत, आज का किस्सा है बड़ा रोचक। दरअसल हुआ क्या, बुआ भतीजी पिछले 2 हफ्ते से आपको समझा रही थी कि टैक्स कैसे बचाएं। आज बारी थी हेल्थ इंश्योरेंस, यानी ये समझते कि स्वास्थ्य बीमा से आपका टैक्स कैसे बचता है। आना आज भी बुआ भतीजी को ही था, लेकिन भतीजी पड़ गई है बीमार। वायरल फैला हुआ है, आपके आसपास भी कई लोग बीमार पड़ रहे होंगे। तो भाई क्या किया जाए, और क्या किया जाए कि स्वास्थ्य बीमा खरीदना तो बहुत ज़रूरी है, ये हम आपको समझाते हैं। आपको समझ में भी आ गया और सभी जानते हैं इससे टैक्स भी बचता है, लेकिन गोटी अटकती है कि अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदा जाए। भाई गुप्ता जी का साला आया था पिछले महीने बीमा बेचने, और गुल्लू भैया ने उधेड़ी थी उसकी बखिया। तो आप भी सुनिए ये चर्चा, मज़ा भी लीजिए और बढ़िया बीमा खरीदने का तरीका भी सीखिए। तो हम चलते हैं, राम राम। रामू की टपरी पर आज गजब रौनक है। गुप्ता जी अपने साले साहब को लेकर जो पहुंचे हैं, गुल्लू और रामू भी गुप्ता जी के रिश्तेदार की आप भगत में लगे हैं, और आज तो चाय के साथ समोसे भी हैं। गुप्ता जी अपने साले से बोले, अरे बसंत भाई, चाय समोसे तो चलते रहेंगे, अब हमारे दोस्त गुल्लू के सामने खोलो अपनी इंश्योरेंस की दुकान। और सुन गुल्लू, देख कितने काम की चीज लाए हैं बसंत बाबू, मौका ही मौका है, तुरंत गपच ले। गुल्लू भैया, हमारी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, कोई हारे बीमारी लगे तो अस्पताल में जाकर इलाज करा लो, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। अब इंश्योरेंस लेना कितना जरूरी है ये तो पता है ना, एक सदस्य की बीमारी पूरे परिवार पर भारी पड़ती है। कह तो सही रहे हो भैया। कंपनी पॉलिसी से पहले फ्री चेकअप भी कराएगी, और तो और गुल्लू भैया, एक ही पॉलिसी पूरे परिवार के काम आ जाएगी। अरे कुछ समझा गुल्लू, फायदा ही फायदा है, बता भरवा दूं तेरा फार्म। अरे गुप्ता जी ठहरो, ले तो लेंगे ये पॉलिसी, लेकिन इससे पहले हमारे कुछ सवाल हैं। देखा क्या कहा था मैंने बसंत, तैयार रहना, हमारा गुल्लू चतुर है, सवाल जरूर पूछेगा। पूछ पूछ गुल्लू पूछ। हाँ तो ये बताओ पहले बसंत भैया, हमारे शहर के कितने अस्पताल तुम्हारी पॉलिसी के नेटवर्क में है? एक। सिर्फ एक? उसमें जगह ना मिली तो क्या करेंगे, 100-200 किलोमीटर इलाज कराने जाएंगे क्या? अच्छा अब ये बताओ, जिस दिन से पॉलिसी खरीदेंगे सारी बीमारी कवर होने लगेंगी उसमें? अरे ऐसे कैसे गुल्लू भैया, वेटिंग पीरियड होगा 1 महीने से 3 साल तक का। अच्छा अब ये बताओ, हम ओपीडी में दिखाने जाएंगे तो दवा और पर्चे का खर्चा भी मिलेगा? ज्यादातर बीमारी तो ऐसे ही सही हो जाती है। ना भैया ना, वो सुविधा भी हमारी कंपनी नहीं लाई। अच्छा अब ये बताओ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है तुम्हारी कंपनी का? आई ये सब तो देखना पड़ेगा। अरे गुल्लू ये क्लेम सेटलमेंट भैया ये सब क्या है, हारी बीमारी में कहां से आ गया यार ये सब? गुप्ता जी, कंपनी के पास आए दावों में कितने कंपनी ने स्वीकार किए और कितने रिजेक्ट, ये बताता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। बसंत भाई देख, अब ऐसा लग रहा गुल्लू तो ये खरीदने से रहा तेरा, लेकिन ये इस चर्चा से भाई देख एक बात तो पता चल गई, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले क्या कुछ हमें जानना चाहिए। बिल्कुल गुप्ता जी, और भी बहुत चीजें हैं। भाई गुल्लू भाई बताओ यार, वो भी जल्दी बता दो। ये भी देखना चाहिए कि पॉलिसी में क्या शामिल है और क्या नहीं, प्रीमियम और कंपनियों की तुलना में कम है या ज्यादा, अस्पताल के कमरे या डॉक्टर की विजिट पर कोई लिमिट तो नहीं है। यार गुल्लू भाई मान गया मैं तुझे, तू तो यार बड़ा सयाना है। अरे अभी और सुनो गुप्ता जी, सबसे जरूरी बात, थोड़े से पैसे देकर अगर एड ऑन और राइडर मिल रहे हो तो वो भी ले लें। राइडर, ये क्या चीज है? अरे राइडर मतलब कुछ पैसा बढ़ाकर किसी गंभीर बीमारी का इलाज शामिल कराना, या फिर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी शामिल करना, ये सब होता है इसमें। अरे बसंत भाई अब तो हमें भी ये सब देखकर ही तुम्हारी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। अरे पॉलिसी लेना मत लेना, अरे एक एक चाय और लो, अरे लो समोसे के साथ लो।